आकाश मुनि चाहूंगी, क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं, पीएम मतलब पनौती मोदी, और वो भी उस मंच से जहां पर आपको चुनावी दावे और वादे करने थे, क्या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना सबसे पुरानी पार्टी के कद्दावर लीडर की तरफ से बचकाना नहीं है? देखिए रूपिका जी, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसी शब्दावली का वो उपयोग ना अवॉइड कर, बात पूछना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को बोला कि आप मूर्खों के सरदार हैं। वायनाड की जनता ने 75% वोटिंग करके 80% से बहुमत से जिताया था राहुल गांधी जी को। आपने 8.5 लाख वायनाड की जनता को मूर्ख क्यों कहा? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, क्या उनका सिर्फ मान है? क्या वायनाड की 8.5 लाख जनता का कोई मान सम्मान नहीं है? और आज जो हमारे पैनलिस्ट में बैठे हैं वो याद करें कि जर्सी काउ किसने बोला था? क्या ऐसी शब्दावली भी होनी चाहिए? क्या जो दूसरी शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या वो सही था? ये सोचने पर मजबूर करना चाहिए हमारे पैनलिस्टों को जो यहां पे बैठे हैं कि 8.5 लाख जनता को मूर्ख बोलने का जो साहस हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया, क्या वो सही था या गलत था? आज इस पे बहस होनी चाहिए। और ये जो बात थी पनौती की, ये मंच में खड़े होके उन्होंने बोल दिया, हो सकता था कि नहीं वो अवॉइड कर सकते थे ऐसी बातें, पर इससे बड़ी चीज थी कि जनता को जब आप प्रधानमंत्री होने के बाद मूर्ख कहे, ये शब्दावली प्रधानमंत्री जी को संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, तो राहुल गांधी की गरिमा को वो जिम्मेदार सांसद नहीं है, सारी ले ले। और वो यहाँ क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। तो 8.5 लाख जनता का कोई मान नहीं है रूपिका जी, और 140 करोड़ की आबादी का क्या करें? क्या उन्होंने 140 करोड़ आबादी को, अरे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इस देश का मुखिया कौन है? आप मुझे बोलते, इस देश का मुखिया कौन है? तो वो मुखिया ने बोला 8.5 लाख जनता को मूर्ख क्यों बोला? ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर मुझे ना वही बयान आपके ऊपर चस्पा करना पड़ जाए, अरे मूर्खों के सरदार, ऐसा वाला बयान मत दीजिए ना, ऐसी बात मत कीजिए कि आप भी वैसे ही सरदार लगने लगे। मूर्खों का सरदार कौन है? पिछले 2 बार हो चुका है, 2014 में और 2019 में, और फिर से एक बार साबित होना है 2024 में, वो फिर से एक बार पता चल जाएगा कि मूर्खों का सरदार और पनौती कौन है।